माली ऐश कर रहा है, ऐश माली। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ये वीडियो ये व्लॉग देख रहे हो। और दोस्तों बेसिकली मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और कुछ चीज़ें जो अपने बारे में मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों बचपन से मुझे गाने लिखने का शौक़ था और आज भी है, आज भी बहुत शौक से गाने लिखता हूँ। और बहुत से गाने मेरे हिट हुए हैं, सुपर हिट बल्कि हुए हैं और पंजाबियों ने इतना प्यार दिया। और हिंदी में ब्लॉगिंग का कुछ दोस्तों ने मेरे उन्हें कहा कि आप पंजाबी में ब्लॉगिंग क्यों नहीं शुरू किया आपने, तो मैंने कहा कि यार मेरे इसी चैनल पर बहुत से मेरे पंजाबी गाने जो है वो बोलकर डाले हुए हैं, आप उन्हें भी देखिए, प्यार दीजिए उन्हें भी। और हिंदी में ब्लॉगिंग का कारण यही था कि मैं पूरे लोगों के साथ जो हिंदी उर्दू को समझते हैं सभी लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने जो था वो ये हिंदी चैनल जो डिज़ाइन किया बनाया। हेलो, पहली बार पानी। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, तू जिंदगी में आज पहली बार माली ने पानी पिया है। ओ बल्ले, क्या रखा था लेते, इदा पीला चल, ऐ पीला चला। पहली दफ़ा दोस्तों पानी पी रहा है माली। उसकी वजह यह है कि इसको पानी पहले नहीं पिलाना चाहिए जो बच्चा होता है, करीब 1-1.5 महीना, क्योंकि प्रॉब्लम आ जाती है, इसके हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाती है जब भी बच्चे को जल्दी पानी पिला दिया जाए तो। माली पीला पानी, अभी डेली एक दफ़ा पिलाएंगे पानी, अभी पीना नहीं प्रॉपर आ रहा है ऐसे पानी। दोस्तों अभी ये दो क्यारियाँ बनाई हैं हमने, और जिसमें ये देखिए लहसुन भी लगा दिया है और आगे मेथी और मेथे दोनों और पालक लगाएंगे। और वो सामने दोस्तों जो है वो गाजरों के लिए दो क्यारियाँ हैं, गाजरें लगा दी है दरअसल उसमें, और जहाँ पर धनिया लगाएंगे क्योंकि यही साग जो सब्जी होती है पंजाब की फेवरेट होती है, जो सरसों का साग होता है दोस्तों, क्योंकि सरसों भी वहाँ पर लगा देंगे बरसीन के बीच, और शलगम और मूली वगैरह सारा लग जाएगा। और इतनी सब्जी बहुत होती है दोस्तों हमारे लिए सर्दियों के लिए, और जो दालें होती है वो तो ऑलरेडी मार्केट से लेनी पड़ती हैं। तो एक दो कैरी अभी और बनाऊंगा और बाकी थोड़ा सुबह देखूंगा कि क्या करना है इसका। और दोस्तों किसी भी पिंड के बिच तुसी चल जाओ, तुहानू एंट्री के उत्ते लिफाफे तुहाडा स्वागत करनगे, जिहड़े गंदे मंदे लिफाफे आ। और हर पंजाब के खास तौर पर पिंडां दा इहो हाल हो गया, साडे छप्पड़ जिहड़े हैगे वेस्ट पानी दे, उह असीं इन्ना कु वेस्ट करदे आ, हत्थ धोण दे लई वी असीं 5-5 लीटर जिहड़ा पानी वेस्ट कर दिंदे, क्योंकि जदों दीआं टूटियां आ गईआं उदों तो जिहड़ी पानी की वेस्टेज आ उह बहुत ज़्यादा वध गई आ। जदों नलके हुंदे सी जिन्नी जरूरत हुंदी सी उन्ना गेड़ लई दस गा, ते पानी की बरकत भी रहिंदी सी, बचत हुंदी सी, ते पानी शुद्ध भी सी।
ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੂਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਟੂਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਗੰਧਲੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁਛ ਰਵੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਜੋ ਧਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਸਕਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਤੋ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਮੇਂ ਬਤਾਨਾ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਧਾਨ ਕਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਲੀ ਹੈਲੋ ਮਾਲੀ ਮਾਲੀ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਚਾਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਭੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸਨੇ ਮਾਲੀ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸ਼ ਮਾਲੀ ਯੇ ਦੋ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰ ਇਸਮੇ ਤੋਂ ਲਸਣ ਲਗਾ ਦਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਜਹਾਂ ਪਰ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜਹਾਂ ਪਰ ਬਣੇਗੀ ਅਭੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੀਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਆਜ ਕਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗੀ ਤੋ ਜੇ ਸੁਬਹਾ ਬਣਾਏਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੀ ਦੋਸਤੋ ਵੋ ਸੂਰਜ ਵੀ ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਵਲੌਗ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪ ਸਭੀ ਦੋਸਤੋ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ